नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम मर्चेंट बैंकिंग अपना चैप्टर है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि भारत में मर्चेंट बैंक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी, और मर्चेंट बैंकिंग है उसके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता। मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता, एवं उसका क्या महत्व है। इसके बारे में हम, यह आज अपना टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। जैसा कि मैंने आपको मर्चेंट बैंक के कार्य में चर्चा की थी कि किस प्रकार से मर्चेंट बैंक के कार्य होते हैं, जिसमें हमने दो प्रकार के कार्य, जो कि सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध और अन्य कार्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में जो मर्चेंट बैंकों की हमें कैसे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब छोटी छोटी बचतों को संग्रहित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कार्य जब संपादित करने होते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें मर्चेंट बैंक की आवश्यकता पड़ी, जिससे अपना देश और औद्योगिकरण एरिया काफ़ी डेवलप हो सके। तो भारत में मर्चेंट बैंकों की आवश्यकता अनेक कारणों से पड़ी, जिसमें से प्रमुख है, एक तो सर्वप्रथम हम बात करें तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण में भी पड़ी, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में के कारण, क्योंकि भारत में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है या औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, जिसके कारण मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार भी क्या हो रहे हैं, विकसित हुए हैं। अधिकांश कंपनियां पूंजी बाजार में प्रवेश हुआ है, जो कि निवेशक है जो निवेश के लिए नए उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, जिससे औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो इस प्रकार पूंजी बाजार की गतिशीलताओं में वृद्धि करने से, या पूंजी बाजार है उसकी गतिशीलता में किस प्रकार से वृद्धि करें, इसकी वजह से हम मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता हमें पड़ी। भारत में मर्चेंट बैंकर के औद्योगिक कार्यों के रूप में किस प्रकार से लगे हुए हैं, औद्योगिक कार्य हैं जो कि मर्चेंट बैंक इन कार्यों को संपादित करते हैं, जिसमें परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उसकी सलाह के आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें मशविरा या परामर्श लेना या सुझाव प्रदान करना आदि, और परियोजना के लिए निवेश पूर्व सर्वेक्षण करना कि किस प्रकार से उसका सर्वेक्षण किया जाए, वो संपादित करने होते हैं। मशीनरी, कच्चा माल, तकनीकी जानकारी करने के लिए विदेशी नियमन की साधनों की तलाश में अग्रणी सहयोग है। प्रबंधकीय कक्षण की व्यवस्था करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पुनर्संगठन और विलय के मसौदे तैयार करना भी एक सहायक है। इसके कारण से हमें मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता पड़ी। अगले हम बात करें उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का विकास। उन्नत तकनीक वाले उद्योगों के विकास के लिए भी हमें मर्चेंट बैंकिंग की बहुत ही ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार से, कि
उन्नत देश में उच्च तकनीकी वाले उद्योग जैसे रसायन है, सीमेंट उद्योग है, इस्पात उद्योग है, तेल शोधन कारखाने हैं, रासायनिक खाद है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स संचार है, अणुशक्ति है आदि, तेजी से इनका विकास हो रहा है। इन उद्योगों के तीव्र विकास के कारण पूंजी बाजार भी क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है एवं मर्चेंट बैंकरों की हमें आवश्यकता बढ़ी है। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्रों में भी अधिकांश उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की है, जिसमें मर्चेंट बैंकर की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। तो इस प्रकार उन्नत तकनीक वाले उद्योगों के विकास के लिए भी हमें मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता में एक अग्रणीय सहयोग या अग्रणीय योगदान रहा है, इसकी वजह से हमें आवश्यकता पड़ी। अगला है सरकारी नियमों की पालना। सरकारी नियमों की पालना के कारण भी, क्योंकि सरकारी नियम जो होते हैं उनके तहत ही कार्यों को निष्पादित करना होता है, तो सरकारी नियमों की पालना से ही हमें मर्चेंट बैंक की आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार से? फॉलो ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। देश में विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम जैसे अधिनियम, उपनियम संचालित हैं, जिससे समझना और उसका क्रियान्वित करना बहुत ही क्या है, कठिन है। तो सामान्य तौर पे हम बात करें तो व्यापार है, उद्योग है या वित्त से संबंधित नियमों की जटिलता है, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर की आवश्यकता पूरी हम जब करते हैं तो सरकारी नियमों की जटिलता के कारण हमें इनकी आवश्यकता महसूस हुई। अब अगला है लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ी। लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योगों के बारे में बताया, क्योंकि इनके विकास के लिए हमें मर्चेंट बैंकिंग का जब हम सहारा लेंगे तो सही तरीके से सही गतिविधियों के आधार पे ये क्रियान्वित हो पाते हैं। तो इस प्रकार से मर्चेंट बैंकिंग की हमें आवश्यकता पड़ी कि लघु व मध्यम उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का क्रियान्वयन हो पाएगा, उनका संचालन हो पाएगा, तभी तीव्र गति से या उनके विकास में अहम भूमिका का निर्वहन भी हो सकेगा। लघु व मध्यम आकार के उद्योगों को तेजी से विकास होने के कारण उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेषज्ञों की सलाह या विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का चलन बढ़ा है, क्योंकि लघु व मध्यम आकार की इकाइयां सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पूंजी प्रदान करती है, क्योंकि ऐसी औद्योगिक इकाइयों की निर्गमन लागत भी अधिक होती है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर की सहायता से इन लागतों को कम किया जा सकता है और मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन के बाजार का प्रवर्तक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार मध्यम और लघु उद्योगों के विकास में इनकी अग्रणीय भूमिका रही। अगला है पिछड़े क्षेत्रों का विकास के लिए भी आवश्यकता पड़ी। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के कारण, जो कि बहुत ही बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं मूलभूत आवश्यकताओं के कारण, क्योंकि इनके विकास के लिए या इनको बढ़ावा देने के लिए हमें मर्चेंट बैंक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको उनके विकास के लिए या तीव्र गति से क्रियान्वित करने के लिए हमें लघु उद्योगों की या फिर मर्चेंट बैंकों की हमें आवश्यकता पड़ी। किस प्रकार से? क्योंकि पिछले या पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पूंजी प्राप्त करना या प्राप्त करने के स्रोत कम होते हैं, क्योंकि बड़ी निगमीय संस्था अपनी शाखाओं के विस्तार करते समय पिछड़े क्षेत्रों में मिलने वाली सरकारी जो छूटें हैं, राहत है, प्रोत्साहन है, उसकी सहायता या उसका अध्ययन हमें करना पड़ता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास तभी होता है जब बड़ी निगमीय संस्थाओं को सरलतापूर्व पूंजी
प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर निगमीय संस्था या सरकार के बीच समन्वय बनाकर कार्य करता है। इसलिए क्योंकि विकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को संतुलित स्थापित करने के लिए मर्चेंट बैंकरों की सेवाएं भी ले जाने लगी हैं। तो इस प्रकार से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मर्चेंट बैंकरों की बहुत ही इम्पोर्टेंस रही है और यही इसकी क्या रही है, भूमिका रही है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ी है। अंतिम है बचतों की गतिशीलता। बचतों की गतिशीलता में क्योंकि मानव प्रवृत्ति का एक स्वभाव है, क्योंकि वो बचत जब करेगा तो आसानी से उनका जीवन निर्वाह सही तरीके से क्रियान्वित हो पाएगा। तो बचत प्रवृत्ति भी एक अहम है, क्योंकि बचत प्रवृत्ति मर्चेंट बैंकरों के माध्यम से करने से व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे उनका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा और आसानी से सभी कार्य संपादित कर सकेगा। किस प्रकार से, क्योंकि पूंजी बाजार में ब्याज दर के परिवर्तन होने के कारण बचत दर भी क्या होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि कंपनियों की जमाओं पर प्राय ब्याज दर अधिक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य अंशों में निवेश कम होता है, क्योंकि कंपनियों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज निश्चित और स्थायी होता है, परंतु समता अंशों पर लाभांश या लाभांश अर्जित करने पर ही मिलता है, इसलिए जमा की तुलना में समता अंशों में निवेश कम होता है। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमनों के अभिगोपन की जिम्मेदारी करने का भी वहन करता है। यह अभिगोपन कार्य के लिए अभिगोपकों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार जनता की बचतों को नए निर्गमन के प्रति गतिशील बनाने के लिए नए निर्गमन बाजार के विकास के लिए मर्चेंट बैंक की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस व्याख्यान में मर्चेंट बैंकरों की हमें आवश्यकता और इम्पोर्टेंस के बारे में हमने चर्चा की है, जिसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित हैं, जिसमें हमने पुनः शॉर्ट में रिवीजन के रूप में हम समझें कि मर्चेंट बैंकों की आवश्यकता हमें तीव्र औद्योगिकरण के कारण पड़ी, तीव्र औद्योगिकरण सही तरीके से या सही क्रियान्वयन के कारण चले, दूसरा उन्नत तकनीकी वाले उद्योगों के विकास के लिए भी मर्चेंट बैंकिंग की हमें आवश्यकता पड़ी, सरकारी नियमों की सही तरीके से पालना करना, किस प्रकार से सरकारी नियम हैं उनका क्रियान्वयन करने से भी मर्चेंट बैंकों की अहम भूमिका रही है। तो इसी क्रम में सरकारी नियमों की पालना आ गई, दूसरा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए भी मर्चेंट बैंकिंग एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो क्षेत्र बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, उनके विकास के लिए भी इनकी हमें तीव्र आवश्यकता पड़ी। बचतों की गतिशीलता में भी मर्चेंट बैंकिंग की एक अग्रणी भूमिका रही। तो इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करी। तो हम ये आशा करते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि मर्चेंट बैंकरों की क्या आवश्यकता पड़ी और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप आसानी से एग्ज़ाम में ये प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से इनको क्रियान्वित कर सकते हैं कि किस प्रकार से मर्चेंट बैंकरों की अहम भूमिका रही है और मर्चेंट बैंकर किस प्रकार के कार्यों को संपादित करने में सक्षम रहे हैं। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मर्चेंट बैंकरों की क्या भूमिका है, क्या उसकी क्या रोल है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि जिसमें एकल खिड़की योजना है, नए निर्गमन फोर इश्यू, नए इश्यू कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया जाता है, कंपनी के कौन कौन से ऐसे मामले हैं और विभागों एजेंसियों के लिए कौन कौन सा है, प्रशासनिक कार्यों में इसकी क्या भूमिका है, विकास के विस्तार के लिए क्या है और आर्थिक स्थिति में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो हम आज ये आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो वाकई में यूजफुल होगा, जिससे आप आसानी से इसको समझिए और इसके जो PDF नोट्स हैं उनको भी आप अच्छे से देखिए, जिससे वीडियो और नोट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्द ही कि मर्चेंट बैंकरों की क्या क्या भूमिका रही है। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।